हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक समल और मेरे पास है सैमसंग का A10s, जिसमें देखिए अभी इसका जो ब्लूटूथ है वो काम नहीं कर रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। और वाईफाई भी देखिए, अगर मैं वाईफाई को ऑन करता हूं ये भी ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, क्या करना है तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ओके, तो वीडियो में आप बने रहिए। दोस्तों देखिए, उसके बाद आपको बोर्ड को निकाल लेना है ऐसे, और जहाँ पर आपका लगा हुआ है फ्रंट जो सेंसर लगा हुआ है ना, इसके पास ही एक कवर होगा, ये वाला कवर जिसको मैं अभी निकाल रहा हूँ। देखिए ये वाला कवर जो है इसके पास ही होगा, तो आराम से आपको इसको हीट लगाकर आराम से निकालना है, नहीं तो आपका सेंसर वगैरह भी डैमेज हो सकता है। तो इसको ये कवर को आराम से निकालना है और इसको अच्छे से वॉश करना है। वॉश करके ये आईसी को थोड़ा क्या करना है, आपको थोड़ा हिला देना है ये वाला आईसी को, ये जो आईसी है। अगर इसमें नहीं होता तो ये आईसी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा वॉश करके इसको पहले थोड़ा हिला कर आपको दिखाता हूँ काम किया या नहीं, उसके बाद नहीं तो मैं आईसी चेंज करूँगा अलग बोर्ड से। ओके दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों देखिए, अभी मैं इसको रीहट करके थोड़ा इसको हिला चुका हूँ, थोड़ा इसको थोड़ा हिला दिया इसको आईसी को। तो अभी देखिए क्या होता है, अभी फिटिंग करने के बाद पता चलेगा अभी ये काम कर रहा है या नहीं, नहीं तो मैं आईसी को चेंज करूँगा। ठीक है, तो वीडियो में आप बने रहिए। दोस्तों अभी तो मैं इसको फिटिंग कर चुका हूँ, देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वाईफाई को ऑन किया, आ गया, ऑन हो गया वाईफाई। देखिए ऑफ था, ये भी ऑन कर लिया। सर्चिंग में भी आ गया, अभी थोड़ा हम मैं अभी सर्च कर लेता हूँ इसमें। देखिए पासवर्ड दे देता हूँ, देखते हैं अभी कनेक्ट होता है या नहीं। हो गया कनेक्ट, चलते हैं अभी क्रोम में, गूगल ओपन है या नहीं तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, सक्सेसफुल अभी काम कर रही है। हो गया ओपन अमेज़न। ओके देखिए, अभी इसमें सिम नहीं लगा है, सिम ट्रे नहीं है इसमें, वाईफाई भी सब कुछ काम हो रहा है वाईफाई। ओके, तो अभी चलते हैं ब्लूटूथ में, अभी थोड़ा ब्लूटूथ चेक करेंगे। वाईफाई को बंद कर लिया, अभी ब्लूटूथ को ओपन कर लिया, तो ऑन कर लिया, हो गया टर्न ऑन। ओके, सक्सेसफुल काम अभी आपका बन चुका है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर से करता हूँ अभी वाईफाई को ऑन, हो गया ऑटो कनेक्ट। ओके दोस्तों, थैंक यू।